हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिर्ची का पकौड़ा और साथ में बनाएंगे ओड़ा भी। और एक ही स्टफिंग से हम दो रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए देखिए, मैंने मिर्ची को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो बीज से इस तरह से चीरा लगाएंगे, इसे जॉइंटी रखना है। और आप चाहे तो इसका बीज निकाल दें या तो ऐसे भी रख सकते हैं बीज को। तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, इसका बीज नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि इतना बीज नहीं है। तो इसी तरह से देखिए, मैंने सारा कट लगा लिया है। तो चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं, बेसन का घोल बना के तैयार कर लेते हैं। 1 कप बेसन लिया है, इसे छान लेते हैं स्टेनर में। तो इसे छान के ही लें बेसन को। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी डाल देंगे जीरा पाउडर और नमक डाल दें स्वाद अनुसार। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। तो 1 कप पानी लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। एक साथ ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये बैटर गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे और इसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लेते जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें ऐसा बैटर बनाना है, ना जाड़ा ना पतला, मीडियम रखना है ताकि वो अच्छे से मिर्ची पे कोटिंग हो सके। तो हमें थिकी रखना है थोड़ा सा बेसन का बैटर को। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 मिनट इसे अच्छे से फेटेंगे, 1 से 2 मिनट। तो बेसन को भी अच्छे से फेट लेना है। तो देखिए, इसी तरह का चाहिए। तो बेसन हमारा तैयार है, इसे हम ढक के रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हम आलू का स्टफिंग बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया है, 2 चम्मच तेल डाल दिया है। जीरा डाल देंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच राई और हींग डाल देंगे 1/2 चम्मच। अच्छे से भून लेंगे इन्हें। तो जीरा और राई भून जाए तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक। प्याज को भी हमें हल्का कलर आने तक इसे भून लेना है। फिर मिर्ची डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए और अच्छे से भून लेना है ना। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, दरदरी कुटी हुई भुना हुआ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर। तो अच्छे से इसे भी भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ आलू। तो मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था मैश करके। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसे भी हम भून लेंगे। तो देखिए, आलू का स्टफिंग अगर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इस तरह से इसे दबा दबा के इसे मैश कर ले। तो स्टफिंग हमारा तैयार है बन के। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए, स्टफिंग आलू भी ठंडा हो गया है। तो चलिए इसे हम भर लेते हैं मिर्ची में। इस तरह से मिर्ची बनाएंगे स्टफिंग वाली, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में और बनाना भी आसान। तो देखिए, इसी तरह से हमें अच्छे से भर लेना है दबा दबा के। तो इसी तरह से हमें सभी मिर्ची भर लेना है। तो देखिए, मैंने सारी मिर्ची भर के तैयार कर ली और इतना स्टफिंग बच गया। तो इसका हम क्या करेंगे, ओड़ा बना लेंगे। तो एक ही स्टफिंग, एक ही घोल से देखिए हमारा ओड़ा भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका भी गोली बना के रख लेंगे। तो देखिए, इस तरह से सभी बना लेंगे। तो देखिए, सारे बना के तैयार कर लिए। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो बेसन को भी देख लेते हैं। तो देखिए, बेसन अच्छे से सेट हो गया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से एक बार। और इसमें डाल देंगे हम अजवाइन क्रश करके, हींग डाल देंगे 1 पिंच और मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, 1 पिंच डाल देंगे खाने का सोडा, ये ऑप्शनल है। अगर आप पहले से ही बेसन घोल के तैयार रख देते हैं तो इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है 1 पिंच। फिर इसमें हम डाल देंगे मिर्ची के ऊपर, इसे इस तरह से कोटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम डालते जाएंगे। तो देखिए, कढ़ाई मैंने पहले से ही रख दिया है गरम करने तेल, मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। तो जितना कढ़ाई में आए उतना डाल देंगे।
फिर इसे एक साइड से हो जाए कलर गोल्डन, तो दूसरी साइड हम पलट देंगे। तो इसी तरह से हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे अलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे मिर्ची फ्राई कलर अच्छा आ गया, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी का भी बना लेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी डाल देते हैं और इसी तरह से हम अलट पलट के देखिए इसे भी फ्राई कर लिया है, तो इसे भी निकाल देते हैं। फिर इसमें हम देखिए ओड़े हम जो तैयार करके रखे थे इसे भी इस बैटर में कोटिंग करके इसे भी डाल देंगे। तो जितना कढ़ाई में आए उतना डाल दें और फिर इसे हम एक साइड से हो जाए तो हम दूसरे साइड से इसे पलट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें ओड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ओड़ा बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया कलर आया, इसे भी निकाल लेते। तो देखिए हमारा ओड़ा और मिर्ची का पकौड़ा बनके तैयार है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो फ्रेंड्स लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।